हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहां पर अपडेट लेकर के आ गए हैं फिर से, यहां पर बिहार प्राइमरी टीचर नियोजन 19-20 का। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू वेबसाइट जो क्रिएट हुआ था इसके बारे में आप लोग बखूबी तौर से जानते भी हैं, और 6-8 का यहाँ पर कैसे दावा और आपत्ति किया जाना है उसके बारे में भी जानकारी आप लोग को है ही। बट यहाँ पर 1-5 के बारे में आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था, तो 1-5 के लिए भी जो है वेबसाइट पर जो है लिंक जो है दे दिया गया, प्रोवाइड करा दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं कैसे दावा और आपत्ति करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो से आपको काफ़ी फायदा मिलता है और आपके एक लाइक कर देने से हमें खुशी ज़्यादा मिलता है। तो फटाफट लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। और यहाँ से देखिए वेबसाइट पर हम लोग आए हुए हैं, और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए 6-8 का यहाँ पर आपत्ति और जो है अबंधी पर आपत्ति दर्ज करने हैं, तो यहाँ से क्लिक करें। और आपत्ति में किसी तरह की गलती हो जाती है आपसे, तो उसका सुधार कैसे करेंगे, तो नीचे आकर कर सकते हैं। तो ये बात है। और उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए 1-5 का लिंक जारी किया गया है, है ना। 6-8 के बारे में तो मैंने पहले बताए थे, 1-5 के लिए यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया गया है, और आपत्ति पर सुधार, अगर किसी तरह की गलती हो जाती है उसका सुधार करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए 1-5 का देख लेते हैं, एकदम सेम प्रोसेस होगा उसी तरह 6-8 का, तो पहले भी मैंने बता रखा है तो आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक मैं करता हूँ, यहाँ क्लिक करें पर, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो है आपको जिला का नाम चूज कर लेना है, जिस जिला के लिए जो है आप करना चाहते हैं, और यहाँ प्रखंड नियोजन यूनिट का नाम जो भी आप दे दीजिएगा, और उसके बाद पंचायत का नाम जो भी है यहाँ से आप पुट अप कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है मेट सीरियल नंबर जो कि 1-2 करके जो लिखा रहता है लेफ्ट साइड कॉर्नर में, तो आप लोग पीडीएफ जो मेंशन होता है उसमें जो है पीडीएफ में जो मेंशन होता है वो आपको लिखना है सीरियल नंबर। अभ्यर्थी का नाम टोटल कैपिटल लेटर में आप लोग भरेंगे, है ना। तो यहाँ पर पिता का नाम दे देना है, उसके बाद आधार के अनुसार अभ्यर्थी का नाम जो भी रहेगा वो यहाँ पर देना है ना। आधार नंबर आपको यहाँ पर दे देना है, आधार वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आप किस सब्जेक्ट के लिए आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर 1-time password यानी कि OTP मैसेज के रूप में आ जाएगा, तो वो मैसेज यहाँ पर आपको टाइप करना है और सत्यापन कर देना है। चलिए सत्यापन हो गई, तो उसके बाद आपको आपत्ति बिंदु दे देना है, किस पॉइंट पर जो है आप आपत्ति करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसका जो है पूरा लिखेंगे ब्यौरा, है ना। और उसके बाद जो है ये होना चाहिए आपको 250 word में ही होना चाहिए, ये भी आपको दिमाग में रखना है। और जिस चीज़ के लिए आपत्ति देना चाहते हैं तो उसका कुछ साक्ष्य देना होगा, कुछ प्रूफ देना होगा, तो यहाँ से PDF आप अपलोड कर दीजिएगा, सॉरी इमेज आप अपलोड कर दीजिएगा स्कैन किया हुआ। और उसके बाद स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है इंटर सो जो है कोड सॉन एबोव जो ये दिख रहा है इसको आपको फिलअप करके एप्लीकेशन सबमिट पर क्लिक कर देना है ना। अगर नहीं करना है तो रिसेट करना है, फिर से अगर भरना चाहते हैं तो रिसेट करके फिर से ऊपर से आप भर सकते हैं। तो इस तरह आप दावा और आपत्ति कर सकते हैं। बाय द वे, इसमें किसी तरह की दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए भी एक मौका दिया गया है नीचे आपको जो है सुधार करने का। तो सुधार कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको जो है सेकेंड लिंक जो प्रोवाइड कराया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो रेफरेंस नंबर दिया गया है वो रेफरेंस नंबर पर जो है रेफरेंस नंबर आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, है ना। रेफरेंस नंबर में एक EP कुछ करके जो है कोड होता है, वो कोड नहीं डाल करके सीधे नंबर डालिएगा रेफरेंस नंबर, और देखिएगा अगर दोनों साथ लेता है तो डाल दीजिएगा। वैसे मेरे के पास किसी कैंडिडेट का तो नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग यहां से डाल करके चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालिएगा, है ना। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कोड आप दीजिएगा, कोड डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन हो जाने के बाद फिर से वो टैब जो है करेक्शन करने का टैब आपका ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये रहा 6-8 का, है ना। यहाँ से दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, सुधार के लिए यहाँ से सुधार कर सकते हैं, 1-5 के लिए यहाँ से दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, सुधार के लिए यहाँ से जो है नीचे जो है सुधार करने का दिया गया है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अपडेट था आप लोगों के लिए, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपको एक काम कर लेना है, चैनल पर चले जाना है। चैनल पर जाने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे कोई नया वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात कर लेटेस्ट अपडेट की, दूसरे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अबाउट सेक्शन में आ जाना है। अबाउट सेक्शन में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर दो टेलीग्राम चैनल WSBCC क्लासेस ज़ोबला 24/7 का लिंक मिल जाएगा,
तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बीटीएससी पीआरडी एलआरसी के कैंडिडेट है तो यहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप है, उसके बाद यहाँ से वीडियोज देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 2 तारीख के डेट में 32 जिलों का अपडेट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट और जो है यहाँ पर 125, 628 का, और यहाँ पर एसटीईटी का जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है उसके बारे में भी मैंने डिटेल दिया है, देख लीजिएगा इसके बारे में। और भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, आप आकर के देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।